वो जाहिर तौर पर एक दूसरे से प्यार करने वाले लोग थे, एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था। यहाँ के लोग क्या कहते हैं? मुझे ईश्वर का पुत्र मानते हैं। उनका मानना था कि दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है और फेडरल सरकार के साथ उनकी जंग होगी। इतने हथियार जमा कर रहे थे जो किसी छोटी फौज के लिए काफी थे। हमारा लक्ष्य था डेविड कोरेश को गिरफ्तार करके गैर कानूनी हथियारों को जब्त करना। 911 क्या इमरजेंसी है? माउंट कामिल में 75 लोग हम पर गोलियां चला रहे हैं। यहाँ औरतें और बच्चे हैं, उनसे कहिए गोलीबारी न करें। मीडिया के लिए तो ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत बुरी हालत है वहाँ, लगभग जंग जैसे हालात हैं। वो कैमरा उठाओ, यहाँ से जाओ। चले जाओ यहाँ से। डेविड ने बयान दिए थे कि हम जंग के लिए तैयार हैं। आप 8 महीने से इसकी तैयारी कर रहे थे, क्या लगता है हम कब से तैयारी कर रहे थे? मुझे लगता है वो जरूर बाहर आएगी। वो आएगी। नेगोशिएटर के तौर पर हमारा मकसद था कि ज्यादा लोगों को बचा लें। हम अंदर आ गए, हम वहां पहुंच गए और हम पीछे हटने वाले नहीं थे। अंदर बच्चे भी हैं, उन्हें बाहर निकालना होगा। वो अंदर आए और हम पर हमला किया। पहले हमने गोलियां नहीं चलाई थी। उस समय कोई बम भी गिरा था तो हम बाहर नहीं निकलते। आप सुराख देखना चाहेंगे? डेविड जानते थे कि वो मर रहे हैं। उसके मरते ही खेल खत्म। उनका मानना था कि डेविड कोरेश ही उन्हें मुक्ति दिला सकता है। कई लोगों ने मुझसे कहा था कि वो मुझे तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि डेविड ने बच्चियों के साथ सेक्स किया था। हमारा वो सेक्स किसी बाइबल स्टडी जैसा था। ये पागलपन है। तुम झूठे हो। अगर मैं ट्रिगर दबा दूं तो वो खत्म हो जाएगा। बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे, सब बाहर आ जाएंगे, मामला खत्म। क्या आपको ईश्वर पर भरोसा है? मैं ही ईश्वर हूं।